सूरती लोचा गुजरात के सूरत का फेमस स्ट्रीट फूड है। सूरती लोचा सूरत की स्पेशलिटी है। ये खाने में टेस्टी, चटपटा और सॉफ्ट होता है, जो कि छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला नाश्ता है। आज हम लोचा के साथ लोचा मसाला और चटनी भी बनाएंगे, तो आइए चटपटा सूरती लोचा बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें। तो सबसे पहले बैटर बनाने के लिए हम दाल को भिगो के रखेंगे, तो उसके लिए एक कप चना दाल ली है और साथ ही में हम डालेंगे 1/4 कप पोहा। और पानी डालकर अच्छे से धो करके 6 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। तो 6 घंटे के बाद अच्छे से भीग चुका है। मैं तोड़कर दिखाती हूँ, यह आसानी से टूट रहा है, मतलब अच्छे से भीग चुका है। तो अब हम इसको क्रश करेंगे। तो एक मिक्सी के जार में भिगोए हुए दाल और पोहा ले लेते हैं। और साथ ही में हम डालेंगे 1/4 कप दही, 2 हरी मिर्च और 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, ताकि अदरक भी अच्छे से पीस जाए। तो ज़रूरत लगे तो ही हम पानी डालेंगे। पीस के रेडी है। तो हमें स्मूथ पेस्ट बनानी है। अब एक बाउल में ले लेते हैं। और दूसरी दाल और पोहे को भी हम इसी तरह से क्रश करेंगे। इसमें हमें दही और मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बाउल में लेकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी हम अभी इसीलिए डाल रहे हैं ताकि कलर अच्छा आए। अब ढक कर हम पूरी रात के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। अब हम चटपटा लोचा मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून जीरा डालेंगे और धीमी आंच पर जीरा को अच्छे से रोस्ट करेंगे, जब तक कि अच्छी सी खुशबू आ जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो जीरा रोस्ट होने के बाद गैस को हम बंद करेंगे और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे। ये पैन भी गर्म है, जीरा गर्म है, तो काली मिर्च भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के जार में क्रश करेंगे। तो ठंडा हो गया है, अब एक मिक्सी के जार में लेकर क्रश कर लेते हैं। तो ये दरदरा क्रश करके रेडी है। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर से क्रश कर लेते हैं। तो क्रश करके रेडी है लोचा मसाला। अब एक बाउल में ले लेते हैं। आप इस मसाला को स्टोर करके भी रख सकते हो। अब लोचा के लिए स्पेशल चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए एक मिक्सी के जार में 1 टेबलस्पून अदरक के टुकड़े, 3 हरी मिर्च, 1 कप धनिया पत्ता, तो धनिया को अच्छे से मैंने धो लिया है, 1/2 कप खमन या तो लोचा को ठंडा करके ले, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर,
नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे क्योंकि खमन में भी नमक रहता है। और 3 से 4 आइस क्यूब डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेते हैं। आइस क्यूब डालने से कलर चटनी का अच्छा आता है। तो चटनी पीस के रेडी है, एक बाउल में ले लेते हैं। ये चटनी थोड़ी सी पतली ही होती है क्योंकि हम इसको लोचा के साथ खाने वाले हैं। तो हमारा बैटर भी फर्मेंट होके रेडी है। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बबल दिखने लगे हैं, तो ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बैटर को हमें पतला करना है, तो एक बाउल में हम ले लेते हैं। तो हमें माप के ही लेना है। तो एक बाउल में हम 2 कप बैटर लेंगे। तो 2 कप बैटर लिया है, तो उसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। तो अभी 2 कप से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, तो मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो पतला बैटर तैयार हो गया है। अब हम उसमें 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी फिर से डाल रही हूँ, तो टोटल पूरे 2 कप पानी डाले हैं मैंने। अब एक प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं तेल से। तो लोचा को हम स्टीम करेंगे, तो प्लेट को भी मैंने गर्म करने रख दिया था। तो थोड़ा सा बैटर डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। ढक्कन लगाकर हम 20 से 25 मिनट स्टीम होने देंगे। तो ये चप्पू क्लीन निकला है, मतलब अच्छे से स्टीम हो गया है। अब निकाल लेते हैं। तो लोचा को गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। तो सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो ऊपर से हम थोड़ा मूंगफली का तेल डालेंगे। तो लोचा में मूंगफली का तेल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही में ऊपर से हम लोचा मसाला जो हमने रेडी किया है वो स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी सेव डालेंगे। और ऊपर से थोड़े से धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। और मसाला प्याज और चटनी के साथ लोचा को सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा सूरती लोचा। लोचा को गर्मा गर्म सर्व करें। लोचा स्पेशली नाश्ते में खाया जाता है, तो ठंडा होने के बाद लोचा थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो लोचा लोचा नहीं रहेगा, लोचा खमन बन जाएगा। तो गर्मा गर्म टेस्टी और चटपटा लोचा सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो गर्मा गर्म लोचा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। आप इसकी सामग्री नोट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार है।